तो मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाथ ऑफ स्पर्म को, अभी तक मैंने आपको बताया कि स्पर्म जो है, ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म, इनका साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का नंबर एक टेस्टिस में बहुत सारा हो सकता है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल एक हाईली कॉन्वोलेटेड हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल है जो कि आकर के ओपन हो रही थी किसमें, एक स्ट्रेट डक्ट में, जिसको मैंने बोला था ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल एक ट्यूबुलाई रेक्टाई में ओपन होगी। अगर एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं तो बहुत सारी क्या होनी चाहिए? ट्यूबुलाई रेक्टाई होनी चाहिए। तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्यूबुलाई रेक्टाई में आ जाएंगे, और इस रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल की प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ स्पर्मिएशन। सारी के सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई आकर के ओपन होंगी एक एनास्टामोजिंग चैनल में। इस चैनल को मैं बोल रहा हूँ रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से अराइज होंगी अबाउट 15-20 डिफरेंट डक्टिल्स, जिनको हम लोग बोल रहे हैं वासा एफरेंसिया। और यहाँ तक का जो स्पर्म का पाथ है, ये जो चार डक्ट्स हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, इन चारों डक्ट्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर मेल एसेसरी डक्ट्स, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर वासा एफरेंसिया जाकर के ओपन होती हैं एक हाईली टॉर्चुअस, हाईली कॉन्वोलेटेड, या कह सकते हैं हाईली क्वाइल्ड, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग डक्ट में, जो कि मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की लॉन्गेस्ट डक्ट भी है। इसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जाकर के ओपन होगी किसमें? एक स्ट्रेटर, ब्रॉडर, शॉर्टर डक्ट में, जिसको हम लोगों ने बोला था वॉस डिफरेंस। इसको हम लोगों ने बोला था वॉस डिफरेंस, और ये वॉस डिफरेंस का नंबर है 2। वॉस डिफरेंस का नंबर कितना है? 2, क्योंकि एक टेस्टिस से एक वॉस डिफरेंस, सिमिलरली दूसरी वाली टेस्टिस से भी एक वॉस डिफरेंस आएगी। नंबर कितना है इनका? 2। और ये वॉस डिफरेंस वापस से एंटर कर जाएंगे इनटू द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस प्रेजेंट होगा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ये एब्डोमिन के बाहर एक एक्सटेंशन है एब्डोमिनल कैविटी का, हैंगिंग पाउच है, जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। तो टेस्टिस एक्चुअली बनी कहाँ पे थी? एब्डोमिनल कैविटी में। डिसेंड कर गई थी कहाँ पे? स्क्रोटल सैक में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टेस्टिस से वॉस डिफरेंस जो निकल रही है, वापस से एंटर कर रही है किसमें? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। तो जैसे ही ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में वॉस डिफरेंस दोनों के दोनों एंटर करेंगी, ये यूरेटर के पीछे से एक लूप बनाते हुए पास करेंगी यूरिनरी ब्लैडर को। इस चीज को आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बताया कि वॉस डिफरेंस स्क्रोटल सैक से टेस्टिस से निकल रही है, एंटर कर रही है दोबारा से किसमें? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और ये यूरेटर के पीछे से दोनों के दोनों लूप बना रही है और पास कर रही है किसके ऊपर से? ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और जैसे ही ये ब्लैडर को क्रॉस करती हैं, इनका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, या समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा डायलेट कर जाती हैं, और फाइनली ये ज्वाइन कर लेती हैं किसको? यूरेथ्रा को, और थ्रू द यूरेथ्रा ये ओपन हो जाती हैं आउटसाइड द मेल बॉडी। ये अपने कंटेंट को रिलीज कर देगी यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने समझ लिया था। फिर हमने आपको बोला था कि आगे का जो फॉरवर्ड कोर्स ऑफ पाथ है इस फर्म का, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को मैं इस बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम की हेल्प से रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। मैंने आपको बताया कि ये पेज नंबर 43 पे दो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक ये ऊपर वाला जिसको हम 3.1A बोल रहे हैं, ये लैटरल व्यू है सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन मेल बॉडी, और ये जो 3.1B है ये फ्रंटल व्यू है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल ह्यूमन बॉडी। तो ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि आप इस डायग्राम पे ऑलरेडी क्लास 10 से ही पीएचडी करते आ रहे हैं, तो भले ही आपने अपनी पूरी पीएचडी इस पे कंप्लीट कर ली हो, लेकिन फिर आपको दोबारा इस डायग्राम को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। इसी डायग्राम को मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी डक्ट्स हैं, कौन जाकर के किस रीजन में अपने सिक्रीशंस को रिलीज करता है, या कौन सी डक्ट में आकर के ओपन होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ये सारी बातें मुझे लगता है कि बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम से आपको समझाया जा सकता है। सेम यही डायग्राम का कंटेंट रहेगा उसमें, बस एक एग्जैग्रेटेड डायग्राम होगा, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा। उसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मैंने आपको बताया कि एक वॉस डिफरेंस राइट साइड से, सिमिलरली एक वॉस डिफरेंस लेफ्ट साइड से अराइज हो रही होगी किससे? टेस्टिस से, और ये एंटर कर रही होंगी वापस से लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे
स्क्रोटल सैक है, एक टेस्टिस यहाँ, एक टेस्टिस यहाँ, तो ये जो राइट टेस्टिस है इससे एक वॉस डिफरेंस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर किया, ये जो लेफ्ट टेस्टिस है इससे एक वॉस डिफरेंस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर किया। यूरेटर के पीछे से ये एक लूप बनाएगा, जैसे ये यूरेटर है तो यूरेटर के पीछे से जाकर के ये एक लूप बनाएगा और पास करेगा यूरिनरी ब्लैडर को। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ब्लैडर को पास करेगा, क्रॉस करेगा, इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी ये क्या कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा लाइक दिस, ये इस तरीके से डायलेट कर जाएगा। और ये जो डायलेटेड पोर्शन है, पार्ट है वॉस डिफरेंस का, ये है वॉस डिफरेंस, और ये जो डायलेटेड रीजन है या पोर्शन है, इसको मैं बोल रहा हूं एम्पुला ऑफ वॉस, एम्पुला ऑफ वॉस, इसको मैं बोल रहा हूं एम्पुला ऑफ वॉस। और ब्लैडर को क्रॉस करते ही इसका डायमीटर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही ब्लैडर को ये क्रॉस करेगा इसका डायमीटर जो है ये वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और दो बहुत इंपॉर्टेंट मेल एसेसरी ग्लैंड्स हम लोग डिटेल में बात करेंगे आकर के ओपन होंगी, आकर के ओपन होंगी इस एम्पुला रीजन में। तो ये एम्पुला रीजन है या वॉस डिफरेंस कह सकते हैं सिंपली, ये आकर के इस एम्पुला रीजन में दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ओपन हो रहे हैं, और इन ग्लैंड्स को मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि डिटेल में पढ़ेंगे, इन ग्लैंड्स का नाम है सेमिनल वेसिकल्स, नंबर इनका होगा दो, यानी आप कह सकते हैं पेयर्ड ग्लैंड्स होंगी। जब ये दोनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ये रिसीव करेगा, दोनों ग्लैंड्स आकर के इसमें ओपन हो जाएंगी, तो दोनों के दोनों वॉस डिफरेंस जो हैं, दोनों के दोनों वॉस डिफरेंस जो हैं, ये आकर के कंबाइंड हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी, और ये एक कॉमन डक्ट फॉर्म कर लेंगी। और ये जो कॉमन डक्ट बन रही है, इस कॉमन डक्ट को मैं बोल रहा हूँ इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट का नंबर मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूं कितना होगा, एक। और इस इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेल एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि इजैकुलेटरी डक्ट के पास में, इजैकुलेटरी डक्ट के पास में यहां पे एक और मेल एसेसरी ग्लैंड है, इसको मैं बोल रहा हूं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना है, वन। आपको देखने में लग रहा होगा ये दो हैं, पेयर्ड हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने डोनट्स खाए होंगे, तो डोनट्स के बीच में ये जगह होती है, आप इस पेन को समझ लीजिए, ये जो मार्कर है इसको समझ लीजिए इजैकुलेटरी डक्ट, और इसको इस बीच में दबा दीजिए, और जब आप इसको इस कट सेक्शन से देखेंगे तो इस मार्कर के इस तरफ और इस तरफ मेरा थोड़ा सा हाथ बचा रह जाएगा जब आप इसको काट देंगे, तो यानी कि थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये है एक, बस ये इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ इस तरीके से क्या है, चारों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट है। जब हमने कट सेक्शन दिखाया आपको तो दोनों तरफ दिखाई दी, दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर इंश्योर कर दूं कि इनका नंबर कितना होगा, एक होगा। और ये भी एक मेल एसेसरी ग्लैंड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा इज फॉर्म्ड एंड इट कॉन्टिन्यूज टू मेल पेनाइल सॉफ्ट, ये एंटर कर जाएगा पेनाइल सॉफ्ट में, या कह सकते हैं पेनिस में। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि पेनिस या पेनाइल सॉफ्ट या सॉफ्ट जो है ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, जिसकी हेल्प से मेल पार्टनर जो है अपने स्पर्म को या गेमीट को ट्रांसफर कर सकता है किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक में, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन और कोइटस। तो ये प्रोस्टेटिक रीजन पे, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ से यूरेथ्रा अराइज होती है। लेकिन रास्ते में यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रिसीव करेगी, यानी एक तरफ से ये एक ग्लैंड आकर के इसमें ओपन हो रही है, सिमिलरली इधर से भी एक ग्लैंड आकर के इसमें ओपन हो रही है। इन ग्लैंड्स को मैं बोल रहा हूँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को मैं बोल रहा हूँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। नंबर कितना है इनका, दो, पेयर्ड कह सकते हैं, या फिर इसी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड,
इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। तो चाहे इसको आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल लीजिए, चाहे इसको कॉपर्स ग्लैंड बोल लीजिए। बात देखी है तो अभी तक हमने तीन ग्लैंड्स पढ़ लिए, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होंगे, दो होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगी अनपेयर्ड होगी, और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड पेयर्ड होगी, नंबर कितना होगा इनका, दो। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा रास्ते में ये दो और ग्लैंड्स के सिक्रीशन रिसीव कर रहा है, या कह सकते हैं दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आकर के यूरेथ्रा में ओपन हो रही हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे यूरेथ्रा में आगे चल के रास्ते में और कुछ एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स आकर के ओपन होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स इस तरीके से आकर के ओपन होती हैं। आप अभी 12th क्लास के लेवल पे इसको इग्नोर कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं आपको नाम बता दूं इस ग्लैंड का, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ लेटर। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ लेटर, जिनका नंबर बहुत सारा हो सकता है। ये यूरेथ्रा को ज्वाइन कर रहे हैं, यूरेथ्रा में आकर के अपने डक्ट्स की हेल्प से अपने सेक्रेशंस को क्या करेंगे, इसमें रिलीज करेंगे। और यहां पे प्रेजेंट है मेल पेनाइल सॉफ्ट, ये आप समझ लीजिए, ये यहां पे प्रेजेंट है मेल पेनाइल सॉफ्ट। और मेल पेनाइल सॉफ्ट का ये जो एंड वाला पार्ट है, ये जो टर्मिनल पार्ट है, ये थोड़ा सा एनलार्ज्ड होता है, और इस एनलार्ज्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस जो है ये कुछ लूज स्किन फोल्ड से इस तरीके से कवर्ड होता है, और इस लूज स्किन फोल्ड की कवरिंग को हम बोल रहे हैं फोर स्किन। इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि ये जो यूरेथ्रा है इस ग्लांस पेनिस रीजन में आकर के टर्मिनेट कर जाएगा, और एट टिप ऑफ यूरेथ्रा यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं, ये जो टिप ऑफ यूरेथ्रा पे ओपनिंग प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। और इस यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू, ये जो यूरेथ्रल मिएटस है, दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच स्पर्म्स आर गोइंग टू बी रिलीज आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक और छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि अगर हम इस पेनाइल सॉफ्ट को कट करें और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको अगर दिखाऊं, तो यहां पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पेनाइल सॉफ्ट में कुछ वेस्कुलराइज्ड स्पेसेस होते हैं जहां पे ब्लड आकर के फिल्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटेशन। एक ये है वास्कुलर स्पेस, एक वास्कुलर स्पेस ये है, और एक यहां पे वेंट्रल रीजन में भी इस तरीके से वास्कुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये पेनाइल सॉफ्ट या पेनिस है, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखाई देगा अगर हम कट करके दिखाएंगे तो ये अपने क्रॉस सेक्शन पे सर्कुलर अपीयर होगा। क्रॉस सेक्शन पे कैसा अपीयर होगा, सर्कुलर अपीयर होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पेनाइल सॉफ्ट है इसके अंदर कुछ वेस्कुलराइज्ड स्पेसेस हैं जहां पे ब्लड आकर के फिल्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे यहाँ पे क्या आकर के फिल हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत अमाउंट में ब्लड। उसका अभी हम आपको सिग्निफिकेंस बताते हैं, लेकिन आप पहले इन तीनों वैस्कुलराइज स्पेस के नाम याद रख लीजिए। ये जो दो वैस्कुलराइज स्पेसेस हैं इनको मैं बोल रहा हूं कॉर्पस कैवर्नोसम, ये जो दो हैं, और ये वाला जो है इसको मैं बोल रहा हूं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का नंबर एक है, कैवर्नोसम का नंबर कितना है, दो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो ये है कि यूरेथ्रा जो है, ये जो यूरेथ्रा है पास हो रहा है पेनाइल सॉफ्ट से, यूरेथ्रा पासेस थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यूरेथ्रा इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू क्या करेगा, पास करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा।
कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे ये जो दो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेस है जिसमें ब्लड फिल्ड हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ये ऊपर वाले जो दो हैं, ये रेड और ब्लू वाले, इनको हम बोल रहे हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, और ये जो ब्लैक वाला नीचे है, इसको, इस ब्लैक वाले को मैं बोल रहा हूँ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ऊपर दो कॉर्ड लाइक वास्कुलराइज्ड स्पेस हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम। नीचे जो ब्लैक वाला है इसको मैं बोल रहा हूँ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू पास होगा यूरेथ्रा। तो अगर हम पेनाइल सॉफ्ट को देखेंगे, तो पेनाइल सॉफ्ट से यूरेथ्रा पास करेगा इस ब्लैक वाले वास्कुलराइज्ड स्पेस के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है, कई सारे एम्स एग्जाम में पूछा गया है कि जो यूरेथ्रा है पेनाइल सॉफ्ट में किससे पास हो रहा है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये आंसर होना चाहिए कि ये पास हो रहा है किससे, थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है, इरेक्शन ऑफ पेनाइल सॉफ्ट है, ये भी एक वास्कुलर फेनोमेनन है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट बॉडी में पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड होता है। तो ऑन पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलस जैसे मिलता है, तो ये जो पेनाइल सॉफ्ट है यहाँ पे कुछ आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे दो डॉर्सल पेनाइल आर्टरी प्रेजेंट होंगी और यहाँ पे दो पेनाइल आर्टरीज प्रेजेंट होंगी। तो ये जो पेनाइल आर्टरी है, जब भी बॉडी के अंदर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, ये पेनाइल आर्टरी डायलेट हो जाती है, इनका डायमीटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ढेर सारा ब्लड आकर के इसमें क्या होने लगेगा, फिल होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। दूसरी तरफ जो पेनाइल वेन है, जो पेनिस या पेनाइल सॉफ्ट से ब्लड को वापस से लेकर के जा रही होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो ब्लड आने वाली वेसल जो है, लेकर के आने वाली जो वेसल है, इनका डायमीटर बढ़ गया, तो ढेर सारा ब्लड आकर के इकट्ठा होने लगेगा। जो ले जाएंगी वापस से ब्लड, उनका डायमीटर कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो ब्लड आएगा ज्यादा और वापस कम जाएगा। तो कह सकते हैं इन जो वैस्कुलराइज्ड स्पेसेस हैं, कार्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसमें आकर के ढेर सारे ब्लड क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, एंड द फिलिंग ऑफ ब्लड लीड्स टू दैट हार्डनिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको और कराया कि जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है, ये एक वास्कुलर फेनोमेनन है जिसमें इन वास्कुलराइज्ड स्पेसेस में एट द टाइम ऑफ पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलस, ये ब्लड आकर के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे, एंड फिलिंग ऑफ ब्लड लीड्स टू हार्डनिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ पेनाइल सॉफ्ट, जिसको हम बोलेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस। एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस मे लीड टू द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। आपको इंसेमिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन और मेल पेनाइल सॉफ्ट। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए, एक इजैकुलेशन, एक इंसेमिनेशन, एक और टर्म मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं लिख रहा हूं तीनों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस लिग्यूल। फिर मैंने आपको बताया, फिर अभी मैंने आपको बताया इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ सीमेन और स्पर्म आउटसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर अगर ये सीमेन या स्पर्म डिपॉजिट किया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तब हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे इनसेमिनेशन। इसको हम लोग बोलेंगे इनसेमिनेशन। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एमिशन। ये मैंने चौथा इंपॉर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया, एमिशन। तो ये रीजन आप देखिए, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्बुला ऑफ वॉस। इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्बुला ऑफ वॉस। स्पर्म आकर के यहां पे कुछ देर के लिए रुकता है, स्पर्म का ये टेम्पोररी स्टॉपेज होगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो स्पर्म जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, एम्पुला ऑफ वॉस रीजन में आकर के टेम्पोरली स्टोर्ड रहते हैं। इस चीज को फिर से आप सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने ये कहा कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म के लिए अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, अगर ये पूछा जाए कि द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर स्टोर्ड, स्पर्म का स्टोरेज कहाँ पे होगा, तो आप कह सकते हैं एपिडिडाइमिस। डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए एपिडिडाइमिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं ह्यूमन स्पर्म।
तो ह्यूमन मेल बॉडी में एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोर रहते हैं स्पर्म, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डक्ट होगी मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफाइड करके स्पेसिफिकली पूछा जाए कि जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन वेयर आर स्पर्म्स स्टोर्ड, वेयर आर स्पर्म टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मेल ह्यूमन बॉडी, तो इसका स्पेसिफाइड आंसर होगा एम्पुला ऑफ वॉस में। तो दो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपसे सिंपल मैनर में सीधी भाषा में पूछें कि कहाँ पे स्टोरेज हो रहा है ह्यूमन स्पर्म का ह्यूमन मेल बॉडी में, तो एपिडिडाइमिस। लेकिन जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन स्पर्म का टेम्पोरली स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है ह्यूमन मेल बॉडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पुला ऑफ वॉस। और एम्पुला ऑफ वॉस रीजन से जब स्पर्म यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, एम्पुला ऑफ वॉस से स्पर्म जब इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द एम्पुला ऑफ वॉस रीजन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एमिशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एमिशन। तो मैंने आपको बताया कि स्पर्म यहाँ पे टेम्पोरली स्टोर्ड रहेंगे जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जैसे ही ये स्पर्म निकल के इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, तो इस रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द एम्पुला ऑफ वॉस रीजन, इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ एमिशन। तो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास हो गए, पहला स्पर्मिएशन, इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा एमिशन, इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द एम्पुला ऑफ वॉस रीजन, तीसरा इजेकुलेशन, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ सीमेन आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट थ्रू द यूरेथ्रल मीटस। एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बताया इंसेमिनेशन, ये एक स्पेसिफाइड इवेंट है, इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो मेल स्पर्म है या मेल गैमेट या स्पर्म है, इसको डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो ट्रांसफर और डिपोजिशन ऑफ स्पर्म और सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। तो स्पर्मिएशन, एमिशन, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन, मुझे लगता है कि इन चारों टर्म्स में आपको जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ये सारी बातें, इतनी बातें हमको करनी थी किसमें, मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आया होगा, एक बार इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, पहली ग्लैंड्स मैंने यहाँ पे देखी, इसको हम बोल रहे हैं सेमिनल वेसिकल, नंबर कितना है इनका, दो, तो एक ये हो गए। फिर हमने देखा यहाँ पे ये दूसरी ग्लैंड, इसको मैंने बोला नंबर कितना है एक, ग्लैंड को मैं बोल रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये दूसरी ग्लैंड हो गई। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल या फिर इसको मैं बोल रहा हूँ कॉपर्स ग्लैंड, इनका नंबर कितना है दो, तो ये थर्ड नंबर की ग्लैंड हो गई, तो 1, 2, 3। और कुछ ये और एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं ग्लैंड्स ऑफ लिटर, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बनाएंगी मेल एसेसरी ग्लैंड, यानी कि जो एसेसरी ऑर्गन होंगे लेकिन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ये अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्पर्म के पाथ में कहीं ना कहीं अपने सिक्रीशंस को क्या कर दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, यानी कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे सीमेन प्रोडक्शन में। मैंने आपको बताया था स्पर्म अकेले नहीं ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कोइटस, स्पर्म के साथ साथ देयर आर सम सॉर्ट ऑफ सिक्रीशंस एज वेल, जिनको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे अगले वाले लेक्चर में। ये सिक्रीट या सिंथेसाइज या रिलीज कहाँ से होते हैं, इन चारों इंपॉर्टेंट मेल एसेसरी ग्लैंड से। तो सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड अलॉन्ग विद द स्पर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, या फिर जो फ्लूइड इजेकुलेट हो रहा है, इनका इजेकुलेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमेन। तो इजेकुलेशन के बेसिस पे इसको हम लोग इजेकुलेट भी बोल देते हैं। तो इस बात को, इन चारों मेल एसेसरी ग्लैंड्स को हम जस्ट अगले वाले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उन केमिकल का फंक्शन है, क्या ज़रूरत है सीमेन में उनकी, इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले इसको आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे NCERT का जो पेज नंबर 43 डायग्राम जो है 3.1A 3.1B, इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपने बहुत बार उस डायग्राम को पढ़ा होगा, आपने पूरी PhD की होगी उस पर, लेकिन फिर एक बार मेरे कहने पे उस डायग्राम को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से रिवाइज करने के बाद।